उत्तर प्रदेश की मऊ विधानसभा से पूर्व विधायक और गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को शनिवार को सुपुर्द ए-खाक किया गया। परिजनों ने दावा किया कि मुख्तार की मौत जेल में दिए गए जहर की वजह से हुई है। मुख्तार के भाई सांसद अफजाल अंसारी ने भी कुछ चौंकाने वाले दावे किए हैं। अफजाल अंसारी ने कहा कि उसके भाई की हत्या कर दी गई, उन्हें रास्ते से हटा दिया गया है, उन्हें जहर देकर मारा गया है। जिस तरह के घटनाक्रम में मुख्तार अंसारी को खत्म किया गया, रास्ते से हटाया गया, समय आएगा तो आप देखिएगा पूरी तरह से हमारे पास पुख्ता सबूत है कि उनको जहर दे करके मारा गया है। अफजाल ने आगे कहा कि मुख्तार को रास्ते से हटाया गया है और सही समय आने पर हम इस बात का सबूत देंगे कि उसे जेल में जहर देकर मारा गया है। अफजाल अंसारी ने कहा कि उन्हें कोई शर्म नहीं है। 26 मार्च को मुख्तार को बांदा जेल से मेडिकल कॉलेज भेजा गया था। पुलिस ने कहा कि उन्हें इसलिए भेजा गया क्योंकि डॉक्टरों ने सुझाव दिया था। सिर्फ एक बात पूछ लीजिएगा कि 26 तारीख को मुख्तार अंसारी को जो न्यायिक अभिरक्षा में बांदा कारागार में थे, उनको मेडिकल कॉलेज क्या भेजा था? कोई सैर करने की तो जगह थी नहीं। सुपरिटेंडेंट कहते हैं हमने 2 बजे उनको भेज दिया क्योंकि हमें डॉक्टरों ने सलाह दिया, 3 डॉक्टरों के पैनल ने कहा कि इनकी हालत सीरियस है, इन्हें मेडिकल कॉलेज भेजा जाए। मेडिकल कॉलेज में उनको 3 बजे 3:30 बजे छब वहाँ एडमिट किया गया। हम लोगों को एक टेलीग्राम पुलिस के माध्यम से रात में 3 बजे के बाद थाने से आके दिया गया, रेडियोग्राम है कि आप तत्काल मेडिकल कॉलेज बांदा पहुंचिए, मुख्तार अंसारी की हालत चिंताजनक है और उन्हें मेडिकल कॉलेज में सुपरिटेंडेंट जेल ने भर्ती कराया। हम लोग गए वहाँ, वो जेल में हॉस्पिटल में भर्ती थे। जब हम अस्पताल पहुँचे तो हमें बड़ी मुश्किल से सिर्फ 5 मिनट के लिए मिलने दिया गया। इस दौरान मुख्तार ने कहा कि उनको जहर दिया गया था और इस वजह से बेहोश हो गए थे। मुख्तार ने बताया था कि वो बेहद दर्द में हैं। उनसे मिलने का बहुत मुश्किल के बाद 5 मिनट का मौका दिया गया और 5 मिनट की मुलाकात में पहली बात उन्होंने कही, उन्होंने पहले से भी मालूम था और उस दिन भी पहली बात यही कही कि भैया ये जहर जो हमको खिला दिए हैं सब, उसका असर इतना बढ़ता जा रहा है कि हम मूर्छित हो जा रहे हैं और मुझे बहुत बेचैनी है, मेरा पेट में इतनी गैस बन रही है और शरीर की शक्ति खत्म हो गई है, दर्द बहुत है। आज रात में मैं बहुत देर तक, हमें याद नहीं है, बेहोश हो गया था। ये लोग उसी अवस्था में मुझे हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिए। यहाँ आने के बाद जब ट्रीटमेंट शुरू हुआ, ऑक्सीजन लगी और ये सब, तो मैं होश में आया।